अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हाशिर अली और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं इन पेज के एक नए ट्यूटोरियल के साथ, और इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे लैंग्वेज सेट करके किसी भी सॉफ्टवेयर में उर्दू लिख सकते हैं। यानी आप अगर चाहते हैं कि MS Word, Excel, PowerPoint या किसी न्यू फोल्डर पर उर्दू फॉन्ट में लिखें या फिर यूट्यूब गूगल वगैरह पे, तो कैसे लिखेंगे ये मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। दोस्तों आज का सबक बहुत ही मुफीद होने वाला है, तो आइए दोस्तों सबक शुरू करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। किसी भी फाइल और फोल्डर के अंदर उर्दू टाइप करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने सिस्टम के अंदर सेटिंग करनी पड़ती है। सेटिंग करने के लिए हमें या तो विंडोज के विंडो 10 के सर्च बार में जाना पड़ता है, या फिर एक दूसरे तरीके से भी आप जा सकते हैं। सर्च बार में जाने के बाद अगर आप यहाँ टाइप करते हैं लैंग्वेज, आप देख सकते हैं यहाँ पर लैंग्वेज शो कर रहा है, लैंग्वेज सेटिंग। हमें सबसे पहले अपनी विंडोज में लैंग्वेज सेटिंग सेट करनी पड़ती है, जिसके लिए हमें यहाँ पर सर्च बार के अंदर, आप देख सकते हैं ये एरिया के अंदर हमें लैंग्वेज लिखना पड़ता है, या फिर आप विंडो के बटन को दबाकर, ये जो विंडो 10 के यहाँ पर एक आइकन शो होता है आप इसको प्रेस करें। प्रेस करने के बाद ये जो सेटिंग का ऑप्शन है आप इसको क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा, इसके बाद आप ये वाले जो ऑप्शन है टाइम एंड लैंग्वेज, आप इसको गौर से देखें, टाइम एंड लैंग्वेज आप इसको क्लिक कर दें। इसमें जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं लैंग्वेज का पोर्शन शो हो रहा है, या दीगर और भी ऑप्शन है टाइम एंड डेट के, लेकिन आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो आप लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लें। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल मेरे पास सिर्फ इंग्लिश कीबोर्ड सेट है। हमें उर्दू ऐड करने के लिए ऐड ए लैंग्वेज वाले बटन पर क्लिक करना पड़ता है। आप देख सकते हैं प्रीफर्ड लैंग्वेज, इसके नीचे ये प्लस का निशान होगा, आप उसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार के अंदर, लैंग्वेज के सर्च बार के अंदर आपको उर्दू टाइप करना है। उर्दू टाइप करने के बाद आप दो तरह की यहाँ पर देख सकते हैं उर्दू, एक उर्दू भारत है और एक उर्दू पाकिस्तान है। आपको पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद नेक्स्ट के बटन को क्लिक करना है। मैंने नेक्स्ट के बटन को क्लिक कर दिया। इसके बाद ये पूछ रहा है कि इंस्टॉल, क्योंकि आपके पास शुरू शुरू में तो इंस्टॉल नहीं होगा, आपको ये इंस्टॉल करना पड़ता है, तो मैंने इंस्टॉल के बटन को क्लिक कर दिया है। अब ये इंस्टॉल हो चुका है, देखिए यहाँ पर शो हो रहा है। ये इंस्टॉल हो जाए फिर मैं आपको आगे का स्टेप समझाता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा कीबोर्ड, उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर ENG यानी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं लिखा आ रहा था, क्योंकि अब मैंने इंस्टॉल इसमें कर दिया है। इसके बाद इसका ये ऑप्शन आ चुका है, और जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको ये दो कीबोर्ड नुमाया करता है, एक उर्दू का और एक इंग्लिश का। तो उर्दू आपको टाइप करनी है तो उर्दू के कीबोर्ड को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जाकर उर्दू टाइप कर सकते हैं। मैं आपको वर्ड के अंदर पहले वर्ड ओपन कर लूँ, उसके बाद मैं आपको इसके अंदर टाइपिंग करके दिखाता हूँ। वर्ड ओपन होने के बाद मैं आपको उर्दू साइड लेकर, वर्ड के अंदर उर्दू साइड लेकर जो कि यहाँ से होती है, आपने राइट करने के बाद यहाँ पर उर्दू सेलेक्ट करना है, जो मैंने आपको पहले बताया था जहाँ इंग्लिश लिखी हुई है वहाँ क्लिक करने के बाद आप उसको उर्दू सेटिंग पर क्लिक कर दें। तो ये यहाँ देख सकते हैं उर्दू सेटिंग पर आ चुका है। अब आप ए दबाते हैं तो ये मीम शो करता है, आप देखें ये मीम शो कर रहा है। इसी तरह अगर मैं दीगर वर्ड दबाता हूँ तो ये उर्दू के हर वर्ड को लिखता है, लेकिन ये किसी भी सेटिंग से नहीं हुआ है। मतलब अगर आप ए दबाते हैं तो ए से मीम आ रहा है, हालांकि इसको ए से अलीफ आना चाहिए और एम से मीम आना चाहिए, लेकिन मीम दबाने पर ये आइन आ रहा है। तो उर्दू तो इसमें इंस्टॉल हो गई है, लेकिन इसके कीबोर्ड की सेटिंग, जो कि मैं आपको पिछले सबक में बता चुका हूँ कि फोनेटिक कीबोर्ड या कोई दूसरे कीबोर्ड लेने के बाद जिस तरह हम कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं, मतलब अगर ए दबाएंगे तो एक सेटिंग से अलीफ आता है और एस दबाएंगे तो सीन आता है, तो यहाँ पर वो फोनेटिक वाली या आफ्ताब कीबोर्ड वाली कोई सेटिंग नहीं है। उर्दू तो आ गई है लेकिन फोनेटिक कीबोर्ड वाली कोई सेटिंग नहीं है, तो इसके लिए हमें दोस्तों एक और सेटिंग करनी पड़ती है। वो सेटिंग करने के लिए आपको कीबोर्ड डाउनलोड करने पड़ते हैं। जैसे मैंने फोनेटिक कीबोर्ड डाउनलोड कर रखा है ताकि मैं एक तरीके से उर्दू कीबोर्ड पर टाइप कर सकूँ, तो मैंने फोनेटिक कीबोर्ड डाउनलोड कर रखा था। इसको डाउनलोड करने के बाद मैं इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद आपको उसमें बताता हूँ कि क्या चेंजेस आएंगे। इसको इंस्टॉल होने में 5 से 10 मिनट लगते हैं, इसलिए मैं वीडियो को पॉज करके आगे शो कराता हूँ।
दोस्तों इंस्टॉल होने के बाद इस तरह का आपको एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, आप इसको यहाँ से क्लोज कर दें, यानी कि आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के बाद अगर आप फिर वही यानी जहाँ पर इंग्लिश लिखी थी और अभी उर्दू लिखी हुई है इसको क्लिक करने के बाद अगर आप फिर से इसको एक दफ़ा देखें तो यहाँ पर दूसरा उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड ये आ चुका है। पहले उर्दू कीबोर्ड था सिंपल और उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड हमारे कीबोर्ड इंस्टॉल करने के बाद आ चुका है। अब इसको क्लिक करने के बाद आप इसमें चेंजेस देखेंगे कि फोनेटिक कीबोर्ड जो जो इस्तेमाल करता है, आप लोगों में से जो भी फोनेटिक कीबोर्ड इस्तेमाल करता है उसे पता होगा कि ए लिखने से अलीफ आता है और एस लिखने से सीन आता है। जिस तरह मैं इन पेज में टाइप करता हूँ उसी तरह इसके अंदर आप शो होगा, मतलब मुझे आसानी फोनेटिक कीबोर्ड में होती है, इसी तरह मैं तेज़ भी लिख सकता हूँ। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, तो आप देख सकते हैं इस तरह मैंने अपने फोनेटिक कीबोर्ड लेकर तेज टाइप किया। इससे पहले वाला जो उर्दू कीबोर्ड था वो सिर्फ उर्दू की सेटिंग थी। अगर आप इसमें फोनेटिक कीबोर्ड इस्तेमाल करना जानते हैं और इंस्टॉल कर चुके हैं तो इस तरह आपको आसानी होगी। अगर आप वैसे इसको इस्तेमाल करते बगैर फोनेटिक कीबोर्ड डाउनलोड किए या इंस्टॉल किए तो आप इसमें तरतीब से और तेज़ी से टाइप नहीं कर सकते थे, तो हमें ये इंस्टॉलेशन करना ज़रूरी होता है। इसके बाद अगर आप किसी फोल्डर पे इसको उर्दू में कोई नाम देना चाहें तो आप यहाँ पर भी दे सकते हैं। मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ, देख रहे हैं मैं फोनेटिक कीबोर्ड में टाइपिंग कर रहा हूँ। तो इसी तरह इसको आप फोनेटिक कीबोर्ड पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप आफ्ताब कीबोर्ड या कोई दूसरा कीबोर्ड आप यूज़ करना जानते हैं तो सिंपली इसको जिस तरह मैंने ये डाउनलोड किया है आप भी कर सकते हैं। मगर मैं ये कीबोर्ड्स जिसमें आफ्ताब फोनेटिक कीबोर्ड उर्दू अरबी और दीगर कीबोर्ड मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका आप डाउनलोड करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास इंस्टॉलेशन नहीं है या आफ्ताब या फोनेटिक कीबोर्ड इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप वो लिंक के ज़रिए इंस्टॉलेशन करके उर्दू टाइप कर सकते हैं। इसी तरह आप देखें कि बाकी सॉफ्टवेयर जैसे कोरल ड्रॉ है, अगर आप यहाँ उर्दू टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ टाइपिंग करने के लिए आप यहीं से सिलेक्शन कर लीजिए। उर्दू सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जब टाइप करेंगे तो उसी फोनेटिक कीबोर्ड के स्टाइल में टाइपिंग होगी। देख सकते हैं मैंने कोरल ड्रॉ में टाइप किया है। इसी तरह जहाँ जहाँ आप चाहते हैं किसी भी फोल्डर पे या किसी भी सॉफ्टवेयर में या गूगल क्रोम में जाकर या सर्च बार में या यूट्यूब में आप वहाँ पर जाकर इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मुहैया कर देता हूँ, वहाँ से डाउनलोड करके आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आप इसी तरह उर्दू टाइप करना चाहते हैं और ये ऑप्शन आपको नहीं समझ में आता, जैसे मैंने आपको बताया सेटिंग में जाकर लैंग्वेज में जाकर टाइम एंड लैंग्वेज में जाकर लैंग्वेज में प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर जो ऐड करते हैं इस तरह आपको नहीं समझ में आता या फिर कीबोर्ड इस्तेमाल करना समझ में नहीं आता, फोनेटिक कीबोर्ड या डाउनलोड नहीं करना आता, तो इसके लिए एक और सॉफ्टवेयर होता है पाक उर्दू इंस्टॉलर। पाक उर्दू इंस्टॉलर आप गूगल में जाकर कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो आराम से आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। उससे भी यही काम होता है, फोनेटिक कीबोर्ड उसके अंदर भी सेट होता है। आप सिंपली इसको इंस्टॉल करके एक दफ़ा कंप्यूटर को रिस्टार्ट करेंगे उसके बाद इसी तरह का ऑप्शन आपके कंप्यूटर में बना हुआ आएगा। विंडोज 7 हो या विंडो 10, इस तरह की आपके पास एक विंडो छोटी सी बनी हुई आएगी जिसमें ये सारी डिटेल सेव होगी। बस आपको उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आप डायरेक्ट माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट ऑल्ट के बटन से भी इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। देखें मैं अपने बटन प्रेस कर रहा हूँ शिफ्ट ऑल्ट की मदद से इसको चेंज कर रहा हूँ, तो आप ये डायरेक्ट शॉर्ट कमांड से भी कर सकते हैं अपने कीबोर्ड पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियो के साथ आइंदा फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।